नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और यदि आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या किसी और शुभ काम से आज का दिन जाना जाता है, तो उसमें मेरी बेस्ट विशेज, आपका दिन बहुत बेहतर रहे और आपका आगे आने वाला वक्त भी बहुत बेहतर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए शुभारंभ करें, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी वाले निशान को अवश्य दबा दें और जुड़े हमारे साथ और अपने जीवन से जुड़ी सभी तकलीफों का हल हमारे चैनल पर पाने के लिए यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी और आपकी बात रोज 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में दिए गए नंबर पर मुफ्त में हो सकती है, जहां पे आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ है जुड़े चैनल के साथ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं पंचांग से। पंचांग के बाद जानेंगे राशिफल और अंत में जानेंगे एक सुंदर सा उपाय, जिस उपाय को करने से पूरा दिन शुभ हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि 13 दिसंबर 2018 का दिन कैसा जाने वाला है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पष्टी नक्षत्र रहेगा घनिष्ठा 19:46 तक। योग रहेगा हर्षण। वार रहेगा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार थर्सडे। सूर्य राशि रहेगी वृश्चिक। चंद्र राशि रहेगी कुंभ। अभिजीत यानी शुभ मुहूर्त रहेगा 11:54 से 12:35 तक। अमृत काल रहेगा 8 बजे से लेकर 9:49 तक प्रातः। राहु काल रहेगा 13:31 से 14:48 तक। तो प्रातः अभिजीत मुहूर्त में और अमृत काल के मुहूर्त में आपको शुभ काम करने से विशेष लाभ होगा और राहु काल के समय में शुभ काम भी आपको नहीं करने हैं और इस समय में जो भी आप दिनचर्या बिताते हैं उसको भी सावधानी पूर्वक बिताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज के दिन आपको बहुत सारे शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आज के दिन आप अत्यंत धनी व्यक्ति हो सकते हैं। अब आप पैसों के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं। आज आप मान सम्मान इज्जत को भी कमा सकते हैं। आज आप समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। आज आपका रुतबा बढ़ सकता है। आज आपको किसी बड़े ऊंचे पद के लिए सम्मानित किया जा सकता है। तो किसी ना किसी प्रकार से आज आपके कंधों पे 4 चांद अवश्य लगेंगे, जिससे आपका नाम होगा, जिससे आपको लोग पहचानेंगे। आज के दिन आप बहुत अधिक धन बहुत कम प्रयासों से कमा पाएंगे। आज के दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। आज आपकी बुद्धि और तर्क शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आज आप सांसारिक व भौतिक सुख भोगेंगे। आपका चंचल स्वभाव, तेज दिमाग और दिमाग का पैनापन सभी मुश्किल कामों को आसानी से करके आप सभी महिला पुरुषों को सफलता दिलाएगा। आज आप नई नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अद्भुत लाभ होगा। नया व्यापार या नया स्टार्टअप करने की आप सोच रहे हैं तो आज आपकी सोच हकीकत में बदल कर लाभ देगी। आज आप अपने व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह फैला सकते हैं, आसानी से फैला सकते हैं। आपकी साझेदारियां हो सकती हैं, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। धन आगमन से आपके परिवार में खुशियां रहेंगी। आप सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हुए घर के लिए खरीदारी भी करेंगे। आज आपसे लोग सफलता का मंत्र सीखेंगे और आज आपसे मिलने के लिए लोग समय भी मांग सकते हैं और आपसे सीखने के लिए वो आतुर हो सकते हैं कि कैसे आप इतनी सरलता से कैसे आप सब कुछ कर लेते हैं। आज आपसे लोग आपकी सफलता का गुण सीखने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए आज समय आपका साथ उतना नहीं देगा जितना बाकी मामलों में दे रहा है। छात्र भी बढ़िया शिक्षा ग्रहण करेंगे। विदेश यात्रा, देश की यात्रा निश्चित तौर पर आपको लाभ देके जाएगी। घरेलू महिलाएं, कामकाजी महिलाएं भी प्रसन्न रहेंगी और परिवार में अपनी रिस्पेक्ट को बना पाएंगी और बिगड़ी हुई छवि को भी आज महिलाएं बनाकर अव्वल नंबर पर पहुंच सकती हैं। संतान से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। सत्ता, शासन, राजनीति से जुड़े लोग बहुत ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। जो लोग IAS, PCS, DM या इत्यादि प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। सरकारी पक्ष यानी सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास सफल रहेंगे। फिल्म अभिनेता हैं आप या किसी भी प्रकार से कैमरे से जुड़े हुए हैं, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर,
और यदि आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं और कहीं पे अपना पोर्टफोलियो भेजना है आपको, या आप सिंगर हैं और आपको अपना आवाज़ का कोई ट्रायल देना है, तो निश्चित तौर पे आज आपको ऑडिशन से, किसी भी प्रकार की एक्टिंग से लाभ अवश्य होगा। आज आप बस अपने क्रोध पर, गुस्से पर काबू रखें, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है आज के दिन को शुभ बनाने के लिए। आज के दिन आप गलत तरीके से या किसी को धोखा देकर या किसी को परेशान करके, किसी और का हक मारकर धन कमाते हैं, मान सम्मान कमाते हैं, तो निश्चित तौर पे आज का दिन तो आप शायद अच्छा जी लें, लेकिन आपके मन में एक बोझ रहेगा जो आगे आने वाले दिनों में आपको परेशान कर सकता है। तो स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखें, कर्म करें और आगे बढ़ जाएं। तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए 13 तारीख शुभ कही जा सकती है, अच्छी कही जा सकती है और आप आज लाभ कमा सकते हैं। आज आपको उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान भोलेनाथ से, माँ पार्वती से और उनके पुत्र गणेश से यानी शिव परिवार से अपने दिन को शुभ बनाने के लिए, और आपसे गलती से भी कोई अशुभ काम ना हो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है, और बजरंग बली का पाठ करके, उनके नाम का स्मरण करके, हनुमान चालीसा को पढ़कर आप निश्चित तौर पर आज सभी छोटे बड़े संकटों को, शत्रुओं को, सेहत से संबंधी परेशानियों को परास्त कर एक अच्छा दिन बिताएंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा और अपने आसपास के लोगों को, वातावरण को आप बेहतर बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और घंटी वाले निशान को दबाकर अपनी हाजिरी लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान के दरबार में अपना नाम लिखवाएंगे। हरिओम, नमस्कार।